हिंदू धर्म में होली का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाने की परंपरा सदियों से चली आई है। इस बार होली का दहन 24 मार्च को आ रहा है, उसी के साथ में धुलहड़ी का पर्व भी अगले दिन 25 मार्च को मनाया जाएगा। होली के दिन जाने अनजाने में हम हमारे घर में पुराने कपड़ों ढूंढते हैं जो व्यर्थ होते हैं, जिनका कोई यूज नहीं होता है। लेकिन होली के दिन ज़्यादा पुराने कपड़े नहीं पहनना चाहिए, और साथ ही जो पुराने कपड़े हैं जो ज़्यादा यूज में नहीं आते उन्हें अपने घर के बाहर निकाल देना चाहिए। और भी शास्त्रों में ऐसी चीज़ें हैं जिनको होली का दहन से पहले ही घर से बाहर कर देना चाहिए। आइए उज्जैन के ज्योतिष आचार्य से जानते हैं वह कौन सी है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वाः, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति निस्ताक्षर्यष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। होली का पावन पर्व है, रंगारंग महोत्सव अपने जीवन को सुखद और अच्छे रंगों से भरने के लिए है। इसमें हमें कई सावधानियां भी बरतनी चाहिए। इसमें हमें कई प्रकार की चीजें घर से पहले होलिका के पहले ही घर से निकाल देना चाहिए। जैसे यदि आपके घर में सूखा हुआ तुलसी का वृक्ष है, तुलसी का पौधा है, तो हम उसे पहले ही निकाल दें। यदि हमारे पास में पुराने कपड़ों का अंबार लगा हुआ है घर में, तो वो भी हम पहले ही हटा दें। और अच्छे कपड़ों के, ज़्यादा पुराने कपड़ों के साथ में होलिका का उत्सव ना मनाएं, इससे हमारे जीवन में नकारात्मकता आती है। पुराने रंगों से होली ना खेलें, हर साल नए रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए। और यदि हमारे घर में टूटा हुआ शीशा या कांच के बर्तन हैं, तो वो भी होली के पहले ही घर से निकाल देना चाहिए। इससे हमारे घर में शुभता की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। और यदि हमारे घर में किसी प्रकार का भी कोई सा भी इलेक्ट्रिक सामान भी यदि पुराना पड़ा है और यूज का नहीं है, ऐसे चीजें जो कि काफी सालों से हमारे घर में है, किसी प्रकार का उसका यूज नहीं हो रहा, जैसे पुरानी घटियां पड़ी हुई हैं, चाक पड़े हुए हैं, पुराने टायर पहिए, ऐसे कुछ भी चीजें पड़ी हैं, तो उनको होलिका के पहले निकाल देना चाहिए। घर में शुद्ध गंगा जल, गौमूत्र, पंचगव्य छिड़क करके होलिका का उत्सव मनाना चाहिए। जैसा दीपोत्सव दीपावली का त्यौहार होता है, वैसे ही होलिका भी एक परम पावन और पवित्र त्यौहार है, इसको भी स्वच्छता से पवित्रता से मनाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।